फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता किचन एंड इंडियन कल्चर। आज मैं लेकर आई हूँ एक करी की रेसिपी। तो चलते हैं अपने रेसिपी की ओर। यहाँ हम उबला हुआ अंडा लिए हैं और उबला हुआ आलू और एक प्याज कट करके रख लिए हैं और दो से तीन मैंने हरी मिर्चें लंबा शेप में काट करके रख लिया है और दो टमाटर कट करके रख लिया है। तो पहले हम अंडा को फोक के सहारे इसमें छेद कर लेंगे ताकि ये फ्राई करते समय फटे नहीं। देखिए, हम इसको छेद कर लेते हैं सभी अंडे को और इसमें हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और डालकर इसे अच्छी तरह से सभी को मिला लेंगे। नमक पहले से मिला लेने से इसमें नमक बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो देखिए, कढ़ाई गर्म हो गया। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, उसके बाद अंडा को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बारी बारी से सभी को फ्राई कर लेना अच्छी तरह से ब्राउन करके। तो देखिए ये कितना अच्छा कलर हुआ है। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सभी को निकाल लेना है, उसके बाद फिर दूसरी बार डालेंगे। तो देखिए, इसी तरह से सभी को निकाल लेना है रेड करके और इसी तरह से फ्राई करके बारी बारी से सभी को निकाल लेना है। तो देखिए, हम सभी को पहले निकाल लिए फ्राई करके। तो ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद हम आलू को क्या कर पहले हल्का तोड़ करके रख लेते हैं। ज़्यादा इसको मही नहीं करना है। तो देखिए, हम हल्का तोड़ करके आलू को रख लिए हैं और दो से तीन तेज़पत्ता डाले। उसके बाद मैंने थोड़ा सा राई भी डाला और हरी मिर्च और प्याज डाल करके इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, भून लेंगे। जब प्याज हल्का भून जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गुलकी पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और डालने के बाद सभी को अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट एक चम्मच। सभी मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे आलू को। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। सभी को डालने के बाद इसे भून लेना अच्छी तरह से। तो देखिए, ये भून चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मसाला अच्छी तरह से हो चुका है। तो इसमें हम पानी डाल रहे हैं 1 से 1.5 कटोरी। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। उसके बाद ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ा ही रखना है। उसके बाद हम इसमें अंडा को डाल देंगे।
और अंडा को डालने के बाद हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए अंडा करी बनकर तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छा बन चुका है ये। उसके बाद हम धनिया पत्ता इसमें डाल देंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए अंडा करी बनकर तैयार है। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।